लुक छुप ना जाओ जी, हमन दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, हमन सकल दिखाओ जी। ओ मियां बांसुरी बजावत धैन चरावत, बांसुरी बजावत धैन चरावत, प्रभु रास रचावत, न्यारो राधा तेरो सा सावरो, प्रभु सब सखियन को प्यारो। मखमली आवाज़ के जादूगर मामे खान साहब आज हमारे मेहमान हैं। मामे खान साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया मामे खान साहब। आप जिस कम्युनिटी से हैं राजस्थान में, कहते हैं कि वहाँ बच्चा भी जब रोता है तो सुर में रोता है। जी ये बिल्कुल बात सही है और मैंने खुद महसूस किया इस चीज़ को। मैं आपको actually, अपना रोना याद है? आई मीन मेरा रोना बिल्कुल वो एक मेरे संगीत का एक पार्ट होगा, पार्ट ही हुआ होगा आई एम श्योर। तो मैं मांगनियार कम्युनिटी से हूँ। मांगनियार एक म्यूजिशियन कम्युनिटी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, यहाँ से भी बीकानेर से भी है। तो हम लोग एक्चुअली जो संगीत है उसको 15-16 पीढ़ी से भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सदियों से हम, पीढ़ियों से हम लेते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं। और ये सवाल एक्चुअली मैंने अपने बाबा से किया था, मेरे उस्ताद, मेरे फादर उस्ताद राणा खान साहब से। मैंने बोला बाबा हम लोग, हमारे पास म्यूज़िक कहाँ से आ गया? तो उन्होंने मुझे हंस के बोला था कि बेटा यही सवाल मैंने अपने दादाजी से किया था। फिर मैंने बोला फिर, तो उन्होंने मुझे, मेरे दादाजी ने मुझे यही बोला कि उन्होंने भी अपने दादाजी से ये पूछा था सवाल। तो मतलब कहने का मतलब ये कि मोर देन 15-16 जनरेशन, ये तो मतलब अभी कह रहे हैं 15-16 पीढ़ी, मैं तो कहूँ इससे भी ज़्यादा। कहाँ से आया ये नहीं पता, लेकिन संगीत यहाँ से में दौड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और तो बस ये संगीत जो 15-16 पीढ़ी से हम कैरी कर रहे हैं, इसमें अलग अलग, और जो हमारा म्यूज़िक है वो ओरल ट्रेडिशन है, लिखा हुआ नहीं है। हम लोग किसी को देख कर उस पर गाना बना लेते हैं। तो पक्षी पर गाने हैं, जो हमारे संगीत है उसमें प्रेम रस है, वृह रस है, श्रृंगार रस है, तो अलग अलग प्रकार का इसमें है। तो वहाँ से फिर बॉलीवुड का सफ़र कैसे हुआ, किसने आपको जोड़ा उससे? देखिए बॉलीवुड में मैं कहूँगा शायद मैं पहला मांगनियार हूँ था उसमें, जिसने पहला एंट्री किया था मेरे हिसाब से। शायद बावरे में मैंने पहला गाना गाया, सॉरी लक बाई चांस में बावरे गाना गाया था। लेकिन मेरे सबसे जो राजस्थानी लोग ही जो हमारे हैं वो ऑलरेडी बॉलीवुड वालों ने पहले भी बहुत सारे मतलब चल रहे थे ऑलरेडी। आप सुनोगे होलिया मोडेर गुलाल, लेता जाए जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में, एंड डोर फिल्म में कैसरिया बालम, तो ये मतलब पहले मेरे से पहले भी ले रहे थे वो। नहीं लेकिन मेरा जो सफ़र है वो पहला बावरे मैंने गाना गाया लक बाई चांस के लिए, और शायद मैं पहला मांगनियार। जो आपने चौधरी एक जी जो एक गाना गाया वो बहुत मशहूर है, एक अगर उसके कुछ बोल सुना दें। जी बिल्कुल। चौधरी एक्चुअली जो कंपोज किया है वन ऑफ द माय फेवरेट अमित त्रिवेदी ने किया है, और इसको जो लिरिक्स लिखे हैं विच इज़ रियली रियली इनक्रेडिबल एंड इट्स अमेजिंग कि पंजाब का रहने वाला एक शख्स जिसने राजस्थानी लिरिक्स लिखे हैं, आई थिंक नोबडी नो। क्या बात, शैली पाजी ने लिखे हैं ये लिरिक्स राजस्थानी में, और ये गाना इस तरह से है। उन लोग को छुप ना जाओ जी, हमण दीद कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, हमण सकल दिखाओ जी। थारी जरारत जब जानू मैं चौधरी, मन जले मन मंगा जी मैं कह लगे, मारे ही बेड़े में जागी धोकणी, चंदा में थारी चांदनी, दामन में बांधी खुशी, रे झुम 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 बा झुम। अच्छा सूफ़ी आप गाते हैं? जी। सूफ़ी में जब सूफ़ी में तो एक माशूका होती है और माशूक, हाँ माशूक होता है, तो माशूक और माशूका का ये जो फ़र्क है जब आप गाते हैं तो कि ये कुछ समझाइए हमारे दर्शकों को कि वो एक्चुअली क्या होते हैं। ऐसा है एक जरिया लिया है, ये एक पूरा जो जरिया लिया है। सूफ़ी का जो मतलब है कि डायरेक्ट कनेक्शन विथ गॉड थ्रू योर वॉइस, आपकी वॉइस के जरिए आप अपने गॉड, अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने राम को
उसमें यानी प्रेम पत्र होता है लेकिन पता वही होता है, वही तो प्रेम पत्री की वही पता अल्लाह का रखा। हाँ, तो हर हमारे जो पोइट्स बड़े बड़े हुए हैं, सूफी संत हुए, उन्होंने एक ही बात की है। अभी सूफीज़म बाबा भोले शाह, साईनाथ बाहू, सुल्तान बाहू, बाबा फरीद, ये इन लोगों को तो बहुत सारे लोग गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ। सिंध की तरफ से जाते थे मंटार फ़कीर, लतीफ़। तो इन्होंने, इन सूफी शायरों ने, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, शशि पन्नू, तो इनको जरिया बनाकर अल्लाह पाक को याद किया, जरिया बनाकर वो खोज की है। भोले शाह ने एक कलाम गाया कि हर रंग दे विच वसदा है तू, हर रंग दे विच वसदा, मतलब उन्होंने बोला कि मैंने तेरे को हर जगह ही ढूंढ लिया, पहाड़ में ढूंढा, बाग में ढूंढा, आसमान में, पानी में, तो हर रंग दी विच, मतलब उसने बोला हर रंग दी विच तू ही बसता है। एक अचरज की बात यह भी है, अचरज की नहीं है बल्कि हमारे कल्चर की है, कि आपने हिंदू देवी देवताओं को भी, इसे भी रिलेटेड गीत गाए हैं कृष्ण की भक्ति से लेकर। हाँ जी, उसका उसका इसका कारण एक ये है, मांगनियार आई थिंक इकलौती कम्युनिटी होगी जो, वो एक बाईकास्ट मुस्लिम है, लेकिन हम लोग हिंदू गॉड गॉडेस को भी वर्शिप करते हैं। हमारे घर में मंदिर है। आप वर्शिप भी करते हैं? जी, हमारे घर में मंदिर है, और मतलब तो हम लोग इस चीज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मानते हैं। हम एक, और हमारे जो मांगनियास के जो जजमान हैं, पैट्रॉन्स, अभी तक ही पैट्रॉन सिस्टम चल रहा है, वो हिंदू राजपूत लोग हैं। इस वजह से ही वो राम को गाते हैं, कृष्ण को गाते हैं, कबीर को गाते हैं, सूरदास को गाते हैं, तुलसीदास को गाते हैं। तो हमारा एक्चुअली जो मैंने जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा था कि हमेशा 5-6 बजे मेरे बाबा रियाज करते थे, लेकिन उनका पहला रियाज का पहला जो भी रियाज करते थे वो कृष्ण से शुरू होता था। तो ऐसा कोई गीत कृष्ण या किसी हिंदू देवी देवता का अगर एक? जी बिल्कुल। बांसुरी बजावत धैन चरावत, बांसुरी बजावत धैन चरावत, प्रभु रास रचावत न्यारो, राधा तेरु सावरो, प्रभु सब सखियन को प्यारो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साहब, शुक्रिया। ये थे हमारे आज के मेहमान मामे खान साहब, जो राजस्थान की खुशबू पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं। कल मिलिए एक और नए मेहमान से। नमस्कार। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।